हे नमस्ते दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो है आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे टॉप 10 हॉरर फिल्म सीरीज के बारे में। अभी तक आपने हॉरर फिल्म के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपसे 10 बेस्ट हॉरर फिल्म सीरीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हॉरर फिल्म या फिर सीरियल किलर फिल्म देखनी है तो आप एक बार इन सीरीज को ज़रूर ट्राई करना। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप इन फिल्मों को रात को देखना, क्योंकि हॉरर फिल्मों को दिन में देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है द एक्सोरसिस्ट। दोस्तों, द एक्सोरसिस्ट एक अमेरिकन हॉरर फिल्म सीरीज है। इस फिल्म सीरीज में टोटल 5 मूवी हैं और इस सीरीज की फर्स्ट मूवी 1973 में आई थी। दोस्तों, ये फिल्म वार्नर ब्रोस द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है और इस फिल्म सीरीज ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में $661 मिलियन का कलेक्शन किया है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है दी पर्ज। दोस्तों, पर्ज एक अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म सीरीज है। इसमें टोटल 4 मूवी हैं और इसकी फर्स्ट मूवी 2013 में आई थी। दोस्तों, ये फिल्म सीरीज यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है और पर्ज एक टेलीविजन टीवी शो भी है जो कि 2018 में आया था। दोस्तों, इस फिल्म सीरीज का बजट $35.5 मिलियन था और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $446 मिलियन का कलेक्शन किया था। दोस्तों, इस फिल्म सीरीज में साल में एक रात पर्ज की आती है, जिसमें 12 घंटे के लिए हत्या सहित सभी अपराध लीगल होते हैं। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म सीरीज है। इस फिल्म सीरीज में टोटल 6 फिल्म है और इस फिल्म सीरीज की फर्स्ट मूवी 2007 में आई थी। दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्टिविटी पैरामाउंट पिक्चर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इस फिल्म सीरीज का बजट था $28.15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कलेक्ट किए थे $890.5 मिलियन। दोस्तों, इस फिल्म सीरीज में कैमरे की फुटेज में भूतों को दिखाया जाता है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है हेलोवीन। दोस्तों, हेलोवीन एक इंटरेस्टिंग अमेरिकन हॉरर फिल्म सीरीज है। इसमें टोटल 11 फिल्म हैं और इस फिल्म सीरीज की 2 और अपकमिंग मूवी है। इस फिल्म सीरीज की 12वीं फिल्म 2020 में आएगी और 13वीं फिल्म के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों, हेलोवीन पर एक गेम भी है जो कि 1983 में आया था। इस फिल्म सीरीज की फर्स्ट मूवी 1978 में आई थी और इस फिल्म सीरीज ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में $620 मिलियन का कलेक्शन किया था। दोस्तों, अगर आपको सीरियल किलर फिल्म देखना पसंद है तो आप एक बार इस फिल्म सीरीज को भी जरूर ट्राई करना। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है द कंज्यूरिंग। दोस्तों, द कंज्यूरिंग एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म सीरीज है। अगर टेक्निकली बात करूं तो इसमें टोटल 2 मूवी हैं, लेकिन एनाबेल फिल्म सीरीज भी इस फिल्म सीरीज का एक हिस्सा है और इस फिल्म सीरीज की एनाबेल क्रिएशन बेस्ट मूवी रही है जो कि 2017 में आई थी। दोस्तों, द कंज्यूरिंग फिल्म सीरीज की एक और अपकमिंग मूवी है द कंज्यूरिंग 3, जो कि सितंबर 2020 में आएगी और ये फिल्म सीरीज वार्नर ब्रोस द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है इंसीडियस। दोस्तों, इंसीडियस फिल्म सीरीज एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म सीरीज है। इसमें टोटल 4 मूवी हैं। इस फिल्म सीरीज की फर्स्ट मूवी 2010 में आई थी और इस फिल्म सीरीज की सारी मूवी सोनी पिक्चर ने रिलीज की है। इस फिल्म सीरीज का बजट था $26.5 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म सीरीज ने कलेक्ट किए थे $539.4 मिलियन। दोस्तों, इंसीडियस सीरीज और कंज्यूरिंग फिल्म सीरीज एक दूसरे से लिंक्ड है। इन दोनों फिल्म सीरीज की फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर थे जेम्स वान और इन दोनों फिल्म सीरीज की फर्स्ट मूवी की कास्ट में थे पैट्रिक विल्सन। दोस्तों, इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है सॉ। सो बेस्ट हॉरर फिल्म सीरीज में से एक है। इस फिल्म सीरीज में टोटल 8 फिल्म हैं
और इस फिल्म सीरीज की फर्स्ट मूवी 2004 में आई थी। दोस्तों इस फिल्म सीरीज की एक अपकमिंग मूवी भी है जिसका नाम है स्पीरल। ये मूवी 2021 में आएगी। इस सीरीज की फर्स्ट मूवी के भी डायरेक्टर जेम्स वान ही थे। और दोस्तों ये फिल्म सीरीज लॉरेंस गेट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इस फिल्म सीरीज का बजट था $1.2 मिलियन और इस फिल्म सीरीज ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए थे $103.9 मिलियन। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है फ्राइडे दी 13। दोस्तों फ्राइडे दी 13 एक अमेरिकन हॉरर स्लैशर फिल्म सीरीज है। इस फिल्म सीरीज में टोटल 12 फिल्म है और इस फिल्म सीरीज की फर्स्ट मूवी 1980 में आई थी। इसका एक टेलीविजन शो भी है जो कि 1987 में आया था। इस फिल्म सीरीज ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $529 मिलियन कलेक्ट किए थे। दोस्तों अगर आपको स्लैशर मूवी देखना पसंद है तो आप एक बार इस फिल्म सीरीज को जरूर देखना। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। दोस्तों ये भी एक अमेरिकन हॉरर और स्लैशर फिल्म सीरीज है। इस फिल्म सीरीज में टोटल 9 मूवी हैं और इस फिल्म सीरीज की फर्स्ट मूवी 1984 में आई थी। दोस्तों इस फिल्म सीरीज की तीसरी बेस्ट मूवी रही है और ये फिल्म सीरीज वार्नर ब्रॉस द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है और इसका एक टेलीविजन शो भी है जो कि 1988 में आया था। दोस्तों इस फिल्म सीरीज ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $750 मिलियन कलेक्ट किए थे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है द इविल डेड। दोस्तों इविल डेड एक अमेरिकन सुपरनेचुरल मूवी सीरीज है। इसमें टोटल 4 मूवी हैं और इस फिल्म सीरीज की फर्स्ट मूवी 1981 में आई थी और इस फिल्म सीरीज की सेकंड मूवी बेस्ट मूवी रही है जो कि 1987 में आई थी। इसका एक टेलीविजन शो भी है जिसका नाम है SVS Evil Dead जो कि 2015 में आया था और ये फिल्म सीरीज न्यू लाइन सिनेमा द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी हॉरर फिल्म सीरीज। होपफुली आपको ये फिल्म सीरीज पसंद आएंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर मूवी से और सेलिब्रिटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।